फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेबी मसाज किस तरह करते हैं, बेबी मॉलिश किस तरह करते हैं। सो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे बेबी मसाज, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप आगे से पीछे तक आपको दिखाएंगे कि किस तरह करना है और क्या क्या फायदे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल होनी चाहिए। बहुत कम जगहों पे फुली नेचुरल चीज़ें मिलती है। सो मेक श्योर कि बेबी के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा बेबी के लिए नेचुरल ऑयल यूज़ करें। जैसे मैं यूज़ करती हूँ तो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, और वो भी बिल्कुल नेचुरल जो किसी से मैं खेत से मंगवाती हूँ गाँव से। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बेबी मसाज के दौरान बेबी को डायपर वगैरह कुछ नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन मैंने यूट्यूब की कुछ प्राइवेसी रूल्स की वजह से मैंने बेबी को डायपर पहनाया है। जो लेकिन सबसे पहले अपने क्या करना है, जो डायपर वाली जगह है यानी बच्चे की प्राइवेट एरिया है वहाँ पे मसाज करनी चाहिए। वहाँ पे ऑयल ज़्यादा लगाना चाहिए, स्पेशली जब आप डायपर पहना रहे हैं तो तब तो बहुत ऑयल लगाना चाहिए ताकि डायपर रेशेस ना बने। उसके बाद डायपर पहना दे, बंद कर दे ताकि पेशाब करने के चांसेस ना हो। बेबी मसाज शुरू करने से स्टार्ट में आपने क्या करना है कि बच्चे के पाँव से मसाज करें और इसी तरह करें जिस तरह मैं दिखा रही हूँ। ये जो पहले पाँव का बैक हिस्सा है वहाँ से शुरू करें, पाँव का तालू जो है वहाँ से स्टार्ट करें, ये ज़रूर मालिश करें। इसके बाद उंगली को नीचे से ऊपर तक लेके जाएं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल थंब फिंगर बिल्कुल पाँव की साइड से ऊपर टांगों की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बूढ़ी माओ दादियों का कहना है कि इस साइड से मसाज करने से बच्चे जो अक्सर अवकात डर जाते हैं, उनको मोशंस लग जाते हैं, सो उनसे बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं बच्चे के लिए हमेशा ओलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बाजारी ऑयल जैसे डिफरेंट किस्म के बेबी ऑयल्स होते हैं उसमें मिक्सिंग होती है, सो कोशिश करें वो यूज़ ना करें। ये जो डायपर वाली एरिया है यहाँ पे स्पेशली ऑयल ज़्यादा लगाएँ ताकि रेशेस का ख़तरा ना हो। और ये जो नाफ एरिया है यहाँ पे, ये बेबी नाफ जो है यहाँ पे स्पेशली ऑयल लगानी चाहिए, क्योंकि नाफ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ। इस पर तो एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए और इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि डिफरेंट किस्म के जो ऑयल होते हैं स्पेशली जैतून का तेल और सरसों का तेल नाफ में लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चे के चेस्ट पे इस तरह वो करनी चाहिए, मसाज देना चाहिए ऊपर से यानी शोल्डर के साइड से नीचे की तरफ, इस तरह जो बच्चे के चेस्ट ऊपर की तरफ खींचे हुए हों तो वो स्ट्रेट हो जाते हैं। और ऑलवेज मेक श्योर के बच्चे का जो गर्दन वाला हिस्सा है यहाँ पे रेशेस भी बनते हैं और यहाँ पे सारा बच्चे के मुंह से जो दूध गिर जाता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, सो यहाँ पे रेशेस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंद होता है क्योंकि वो दूध जमा हो जाता है और वहाँ पसीना आ जाता है, फिर वहाँ वो जगह ज़्यादा गंदी हो जाती है। सो यहाँ पे उंगली ज़रूर डाल के चेक किया करें कि ये जगह ज़्यादा गीली तो नहीं है। अगर ऐसा है तो बेबी वाइप से या टिश्यू से साफ़ करें पहले, फिर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लगाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जगह बच्चे की गर्दन बंद रहती है तो यहाँ पे रेशेस पड़ने के चांसेस होते हैं। मैं बेबी के नाफ पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, चाहे वो बच्चे का नाफ हो बड़ों का नाफ हो वहाँ पे तेल लगाने के क्या फ़ायदे हैं। और एक और बात के बच्चों को जो रेशेस पड़ जाते हैं, जैसे डायपर रेशेस होते हैं, इनके अंडर आर्म्स पे रेशेस होते हैं, नेक पे रेशेस होते हैं, नेक में रेशेस बन जाते हैं, सो उनका क्या सोलूशन है। लेकिन एक और बात बताती हूँ इससे पहले कि बच्चे के खाद को भी इसी तरह मालिश करना है जिस तरह आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक, जैसे जिस तरह बच्चे का पाँव मैं मालिश कर रही थी उसी तरह आपने हाथों की भी मालिश करनी है। और ये जो अंडर आर्म्स वाली एरिया है यहाँ पे भी ये चेक किया करें, स्पेशली चेक किया करें, क्योंकि ये जगह भी बच्चे की बंद रहती है तो यहाँ भी रेशेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बच्चों के हाथों की मालिश यूँ करनी चाहिए, पहले पंजे खोल दें, वहाँ पर अंदर से ऑयल लगाएँ, बच्चे के पंजे अक्सर बंद रहते हैं तो यहाँ पर गंद जमा हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, हाथों पर इस तरह से मालिश करनी है, ये देखें ये दम को ऊपर की तरफ हरकत दें, और ये ऑयल बच्चे के जिस्म में अच्छी तरह जज़ब करे ताकि इसके जिस्म में हल हो जाए और बच्चे को काफ़ी इसकी हड्डियां मजबूत होती है, बच्चे की सारी तकन भी उतर जाती है इससे।
अब बच्चे को चाहे गोद में बैक साइड पे ले, एक हाथ पे ले या उल्टा लिटा दें, लेकिन उल्टा लिटाने के बाद ये बच्चा जो कि कुछ ही दिन का है, सो इस तरह से ये बिल्कुल ये जो बैक बोन है इसको इस तरह से मालिश करें ऊपर से नीचे तक। इस तरह बच्चे की जितनी भी थकान हो वो उतर जाती है। और अमूमन मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है, अक्सर अवकात बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे को जब हम बैक साइड पे मालिश करते हैं तो बच्चे बहुत आराम से लेट जाते हैं। जब भी आपका बच्चा रो रहा होता है तो आप उसको बैक साइड पे ले और उसकी बैक साइड पे जस्ट मालिश ही ना करें बल्कि हाथ पैर, बच्चा डायरेक्ट चुप हो जाता है। बच्चे को बैक साइड पर मालिश करने से काफ़ी मज़ा मिलता है। अब बारी आते हैं बच्चे के हेड को मालिश करने की। हेड मालिश करने का फ़ायदा ये है कि बच्चे के बाल अच्छे से गन्ने से ग्रो करते हैं। हेड मालिश करने के दौरान हमेशा ये याद रखें कि कानों का ये बैक एरिया और अंदर वाले एरिया, यहाँ पे ज़रूर ऑयल लगानी चाहिए ताकि ये जो बैक एरिया है यहाँ पे भी रेशेस पड़ते हैं। बच्चे को अमूमन हमें पता नहीं चलता और बच्चा हर टाइम रो रहा होता है, अंदर से पता नहीं चलता, बच्चा इतना सॉफ्ट होता है, इतना छोटा सा बच्चा, सो अंदर से रेशेस पड़े होते हैं, उसकी वजह से उनको जलन हो रही होती है। ये नहीं कि मैंने बैक साइड को अच्छे से मालिश कर दिया, आपने देख लिया, अब बच्चे को ड्रेसअप करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। ये क्या चीज़ है आप लोग जानते होंगे, बच्चों को अक्सर अवकात दवाएं, डिफरेंट दवाएं होती हैं जो हम तवीज़ बना के बच्चे को पहनाते हैं ताकि बच्चे को नज़र ना लगे, बच्चे की सेफ्टी हो। एक बात याद रखें कि जो न्यू बर्न बेबी हो, बहुत छोटा जैसे ये है, कुछ दिन का बेबी है, उनके लिए ऐसे ड्रेसेस ले, ऐसे शर्ट्स ले जो सामने से बटन उनके ओपन होते हो ताकि वो पहनाने में इजी हो, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनकी हड्डी स्ट्रांग नहीं होती, ये हिल रहे होते हैं, सो डायरेक्ट गले वाले सूट पहनाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इनके लिए हमेशा से बाज़ार में यही सूट अवेलेबल होते हैं, हमेशा ऐसे ही सूट ले बटन वाले ताकि पहनाने में इजी हो। अब आगे क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में वो मैं आपको दिखाती हूँ। शर्ट पहनाने के बाद आप पैंट पहना दें, भला जो भी चाहे पहना दें, अंडरवेयर पहना दें। इसके बाद आपने क्या करना है, एक वाइप लेना है, वाइप की मदद से बच्चे के पूरे चेहरे को साफ करना है क्योंकि वो वेट होता है। सो ये ऐसे है जैसे आपने अपना मुंह धोया हो या बच्चे का मुंह धोया हो, सो वाइप की मदद से, वेट टिश्यू की मदद से बच्चे के चेहरे को साफ कर दे, जहाँ पे भी थोड़ी बहुत गंद हो वो साफ कर दे। और एक बात याद रखें कि बच्चे के चेहरे पे बाल होते हैं मोस्टली, जैसे ये बच्चे के इस हिस्से पे बाल है जो न्यू बर्न बेबी होता है, उनके बाल गहरे नहीं होते हैं, उनके चेहरे पे बाल होते हैं। सो वाइप की मदद से तकरीबन 10 बार वो बाल इस तरह रगड़ें ताकि वो साफ हो जाए, गिर जाए और बच्चा ज़्यादा बाल वाला ना हो। वैसे ये खुद ही गिर जाते हैं लेकिन अच्छा है कि बंदा तकरीबन दस बार वाइप की मदद से रगड़े ताकि जल्दी गिरे, अगर ना भी गिरे तो इस वाइप की मदद से वो साफ़ हो जाए। और ये हिस्सा हिस्सा फिर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने जहाँ जहाँ भी बाल है, जैसे जैसे इस बच्चे के यहाँ पे बाल है, इस तरह रगड़ना है। अक्सर बच्चों की तो मूंछें भी होती है, सो उन मूंछों को भी रगड़ना है। इसके बाद क्या करना है जो हम लोग करते हैं, सुरमा लगाना है। सुरमे का फ़ायदा क्या है कि बच्चे की लेशेस गनी होती है पर आंखें काफ़ी गहरी लगती है, खूबसूरत लगती है। वैसे लड़का हो या लड़की हो, आंखें खूबसूरत हो, ये दोनों की ख्वाहिश होती है, दोनों के लिए फ़ख्र की बात होती है। सुरमा लगाने के बाद बच्चे की ये हालत हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं बच्चा फिर ऑटोमेटिकली सो जाता है। और मेरा गोलू भी तकरीबन सुरमा लगाने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक आंखें नहीं खुलता, सो जाता है। देखो ये यॉनिंग कर रहा है और ये सो गया है। अब ये था बच्चे को कम्प्लीटली मालिश और रेडी करने की पूरी वीडियो। सो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।